हे गाइस, अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो DSLR या फिर अदर कैमराज यूज़ करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को शार्प नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है जो एक अच्छी शार्प इमेज क्लिक करना चाहते हैं लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको शार्प इमेज नहीं मिलती। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ को एक शार्प तरीके से क्लिक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी मोर वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, बात करते हैं आज के पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है अपर्चर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपर्चर के बारे में सिर्फ यही सुना होगा कि जितना कम नंबर होगा अपर्चर का, उतनी ही ब्लर वाली फ़ोटोज़ हमें मिलेगी और लाइट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता है कि जितना ज़्यादा अपर्चर का नंबर होगा, लाइक 1.4, 1.2, 1.8, तो इसको यूज़ करने से आपको एक चीज़ में लॉस होने वाला है, जो कि ये कि शार्पनेस। अगर आप 1.8 पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उसी को कंपेयर करें एज अ 4.0, तो आपको दिखेगा कि 4.0 वाली जो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी एज़ कम्पेयर टू 1.8। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1.8 पे जो शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यही आप कंपेयर करें F4.0 से, तो उसमें आपको शार्पनेस बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ सैम्पल शो कर रहा हूँ, जैसा कि अभी आप देख सकते हो एक पिक्चर जो आपको अभी दिख रही है 1.8 अपर्चर पे क्लिक की हुई है, और यही सेकंड इमेज जो आपको दिख रही है F4.0 पे क्लिक की हुई है, तो दोनों में आपको शार्पनिंग में जो फ़र्क है वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो इसीलिए आपको भी शार्पनेस गेन करने के लिए आपको अपर्चर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको शार्प एंड एक्यूरेट क्लियर इमेज मिल सकती है। सैम्पल्स को देख के आपको ये लग रहा होगा कि शार्प इमेज क्लिक कर लेंगे 4.0 पे, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर का क्या? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप 1.8 का बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2.0 या फिर 2.2 यूज़ करना होगा, तब जाके आपको शार्पनेस प्लस बैकग्राउंड ब्लर दोनों एक साथ विजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आज के पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है शटर स्पीड। आप में से बहुत से लोग ऐसे पूछेंगे कि भाई शटर स्पीड का शार्पनेस से क्या लेना देना है, तो भाइयों उनकी बहनों लेना देना है। इसके लिए मुझे आपको एग्ज़ाम्पल देना होगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम्पल के आपको समझ नहीं आएगा कि शटर स्पीड से शार्पनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब स्क्रीन पे आपके सामने दो इमेज शो हो रही है और इन दोनों की शटर स्पीड डिफरेंट है और इन दोनों का रिजल्ट भी डिफरेंट है। सो गाइस, फर्स्ट इमेज जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है वो 1/115 की शटर स्पीड पे क्लिक की हुई इमेज है, जो कि ब्लरी है, और सेकंड वाली जो इमेज है 1/250 की शटर स्पीड पे क्लिक की हुई फ़ोटो है। तो इन दोनों में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो शटर स्पीड का है। मेन चीज़ मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा दूं तो ये कि जितनी कम शटर स्पीड होगी उतना ज़्यादा शेक होने का चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी फ़ोटोज़ में, और जितनी ज़्यादा शटर स्पीड होगी उतनी ही शार्प इमेज आपको मिलेगी। क्योंकि शटर स्पीड का इससे ये कनेक्शन है कि जितना टाइम शटर ओपन रहता है उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी फ़ोटो में ब्लरी इफ़ेक्ट आए या फिर शेक आए। तो आप पॉसिबिलिटी यही रखिए कि आपकी फ़ोटो हाई शटर स्पीड पे क्लिक हो, तब जाके आपको शार्प इमेज मिल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फोकस पॉइंट्स। और आप में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर फोटोग्राफर्स भी होंगे जो कैमराज यूज़ करते हैं लेकिन फोकस पॉइंट्स को सेट करना उनको अभी तक नहीं आता है, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फोकस पॉइंट्स अगर आप ऑटो मोड में चला रहे हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक फोकस करता होगा फोकस पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो आपकी फ़ोटोज़ को ब्लर बना सकता है, बिकॉज़ कैमरा अपने हिसाब से फोकस लेता है, तो उसमें आपको कहीं ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे एक्यूरेट फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑटो मोड होने की वजह से आपको करेक्ट फोकस नहीं मिल पाता है। अगर आप सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा कि आप सब्जेक्ट की आई पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें आपको एकदम अच्छे से सब्जेक्ट में फोकस मिलेगा। यही इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है,
कंटिन्यूस ऑटो फोकस का भी इसमें ऑप्शन रहता है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसको चूज़ करने का ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर फोकस में आ गया, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट वापस थोड़ा सा हिल गया या फिर कैमरे से उसका डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका कैमरा वापस रीफोकस कर पाएगा आपके सब्जेक्ट पे। और यही आपने सिंगल फोकस चूज़ किया है तो आप एक बार उस पर फोकस कर लेंगे, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आगे पीछे हो गया तो आपका सब्जेक्ट मिस फोकस हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपको ब्लर फोटो मिल सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो कि है लो लाइट ISO। ISO जितना कम होगा उतनी क्लीन एंड एक्यूरेट फोकस वाली इमेज आपको मिलेगी, जिससे आपको शार्प इमेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही अगर आप ISO को इंक्रीज करते हैं तो आपको ग्रेन्स वाली इमेज मिल सकती है, जिसमें आपको शार्पनेस का इशू लगता है। सो गाइस, अब बात करते हैं हम लेंस फिल्टर्स की। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हाई एंड ग्लास वाले लेंसेज के आगे अगर आप लो क्वालिटी या फिर चीप क्वालिटी के फिल्टर्स आप अपने लेंस के आगे लगाएंगे तो वहाँ पे आपको फोटोज़ की जो क्वालिटी होती है ना, वो सॉफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, क्योंकि जब मैंने अपने निकोन के 18-105 लेंस के आगे एक चीप क्वालिटी का UV फिल्टर कुछ लगाया था, तो जब मैंने वो फिल्टर लगाया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार फिल्टर लगाने से अपनी फोटोज पे इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे मैं सारे फिल्टर्स के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फिल्टर होते हैं जिनको लगाने के बाद आपकी फोटोज में स्मूथनेस वाला इफेक्ट आ जाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है, एक बार ट्राई करके जरूर देखें, तो कमेंट करके बताएं कि आपकी फोटो शार्प है या फिर आपकी फोटोज भी स्मूथ आती है एक फिल्टर लगाने के बाद। सो गाइस, अब बात करते हैं लास्ट नंबर पॉइंट की, जिसमें आपको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फोटोग्राफी। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, कैमरा ग्रिप करने की जो आदत होती है ना वो कहीं ज़्यादा बेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैमरा सेटिंग्स एंड कैमराज। तो अगर आपका इक्विपमेंट महंगा है, आपकी सेटिंग्स परफेक्ट है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी स्टेबिलिटी है वो अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो कहीं ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी फ़ोटो शार्प नहीं आती है। सो गाइस, आप में से बहुत से लोगों को ये टिप्स पसंद आए होंगे और बहुत से लोगों को पहले से पता भी होगा, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई शार्प फोटोज़ नहीं आ रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था जो कि ये सेटिंग्स करके अपनी फ़ोटोज़ को शार्प बना सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को यूज़ कीजिए और अपनी फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट लाइए। सो गाइस, अगर आप में से बहुत से लोगों को ये टिप्स यूज़ करने के बाद भी शार्प फोटोज़ नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलता हूँ आपसे इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप आस्क एंड बाय।